चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 12 से पार्षद हैं भाजपा के तेज तर्रार और जोशीले जौहर। सामाजिक मुद्दे को बड़े जोरदार तरीके से निगम की हाउस मीटिंग में उठाने वाले भाजपा के युवा नेता सौरभ जोशी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, इनके अपने वार्ड में कई काम एक साल से लटके पड़े हैं। जैसे सेक्टर 15 की पटेल मार्केट में इंदौर 56 की तरज पर जीरो वेस्ट मॉडर्न फूड स्ट्रीट। मार्च 2024 में मेयर अनंता मित्रा द्वारा बकायदा फाउंडेशन का पदार्पण उन दुकानों का किया गया जो पहले से ही पटेल मार्केट की बाहरी दुकानों में खाने के ढाबे और स्नैक्स की दुकानें थी। सूत्रों के अनुसार इसके लिए शौचालय का साइज बड़ा करने के लिए संपदा विभाग का एक बूथ भी तोड़कर मौजूदा शौचालय में मिला दिया गया। वजह बताई गई, इन दुकानों का नवीनीकरण करने से इन दुकानों पर ग्राहकों की आवक बढ़ेगी क्योंकि वह बूथ संपदा विभाग का था। निगम द्वारा तोड़े जाने पर विभागीय तकरार भी हुई। आज 9 महीने बीतने के बाद भी जीरो वेस्ट मॉडर्न फूड स्ट्रीट केवल कागजों में ही है। लाखों रुपए का सामान पटेल मार्केट के बाहर पड़ा सड़ रहा है जो शहर के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से वसूले गए पैसे से खरीदा गया है। 8 महीने से ही पटेल मार्केट के सार्वजनिक शौचालय पर भी ताला जड़ा था। अर्थ प्रकाश टीम ने मामले को खंगाला और न्यूज लगाई, तब दूसरे दिन वहां लेबर पेंडिंग काम करती हुई नजर आई जिनसे पता चला कि जल्द ही उद्घाटन हो जाएगा। बात यही खत्म हो जाती तो गनीमत थी। इस वार्ड के कम्युनिटी सेंटर का भी यही हाल है जो पूरे एक साल से रेनोवेशन की बलि चढ़ा है और वार्ड नंबर 12 के निवासी और आसपास के रेजिडेंट्स अपने फैमिली फंक्शन वार्ड से बाहर करने को मजबूर है। जब वार्ड निवासियों से बात की गई तो पता चला कि साहब फोन नहीं उठाते। अर्थ प्रकाश टीम ने जब कम्युनिटी सेंटर के बाबत बात करने को पार्षद को फोन मिलाया तो जनता की बात सही निकली। जनाब, इसकी जो उद्घाटन हुई थी उसके साथ टॉयलेट के साथ एक फूड एंड खाने का जो व्यवस्था की मार्केट है, छोटी सी मार्केट है जिसमें लगभग 34 से 35 दुकानें लगती है जी। वो पड़े पहले बहुत ही खराब स्थिति में वहाँ व्यवस्था रहती थी। ठीक है जी। जिनको माननीय सौरभ जी जोशी जी के नेतृत्व में सोचा गया कि वो थोड़ा ऊपर उठाया जाए। हाँ। और शायद जीरो वेस्ट करके ये दुनिया का पहला मार्केट, खास करके भारत का पहला मार्केट बनने जा रही है, तो उसके साथ टॉयलेट भी उसी तरह का बनाया जाए। हाँ। क्योंकि उस दिन क्वेश्चन उठ गया था कि सर यहाँ लोग खाएंगे और इस टॉयलेट की वाशरूम जो है, गंध जो है वो फूड तक जाएगा तो मैनेजमेंट हिल जाती है कि एक तरफ आप खाने वाले पे इतने सारे चीज ध्यान दे रहे हैं और यहाँ टॉयलेट पे, तो उसके जरिए से इसको भी नवीनीकरण किया गया, रेनोवेट के चक्कर में इसको तोड़ा गया। उसके बाद हुआ बीच में कुछ छोटी सी बात आ गई कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, पब्लिक ज़्यादा आती है, तो एक जो स्टेट ऑफिस की बूथ थी वो बीच में आ गई, धोखा से रहता रहती उसको भी किया, फिर उस मैनेजमेंट को भी संभाला गया और उस पर कार्य चलता रहा। टॉयलेट बनने में नो डाउट टाइम तो लगती है और जो माध्यम, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि जो चंडीगढ़ नगर निगम के पास फंड की अभाव चल रही है, जिसका रीजन चाहे जो कोई भी हो, चूंकि पद पे जो आसीन होते हैं अभी अगर आम आदमी के मेयर साहब हैं तो उनके नेतृत्व में ही होना चाहिए, पैसे के अभाव के कारण यहाँ के टेंडर के जो ठेकेदार हैं उनके कई लाख में पेंडिंग चल रही है, जिस कारण से वो समय पे काम करवाने में असमर्थ है। एमसी के तरफ से उन्हें पैसे की अभाव हुई है, ये बात हम लोग भी जानते हैं, फंड नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो न्यूज बनी है वो अच्छी लगी है। इसका रेनोवेट होने के और अब फिर उद्घाटन की तैयारी चल रही है, थोड़ी बहुत पैसे भी अगर एमसी में आती है तो वो इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। सेक्टर 15 जन्म से मैं सेक्टर 15 में निवासी हूँ, जन्म भी यहाँ हुआ, शादी भी इसी सेक्टर में हुई, तो कम्युनिटी सेंटर की जो सिचुएशन है ये पिछले करीब एक साल से ऐसे ही चल रही है। जब पता किया तो ये पता चला कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, अब क्या रेनोवेशन हो रही है ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बंद है क्योंकि अक्सर कई लोग जो हैं वो शादियों के लिए या कोई जिसके कोई क्रिया या भोग करना होता है वो लोग आते हैं कि जी हमें अपने उसके लिए चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो जब मैंने इंक्वायर किया संपर्क से तो उन्होंने यही कहा कि जी वो तो बंद है, वो बुक नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। अब ये किस तरीके की रेनोवेशन है क्योंकि अभी थोड़े टाइम से तो वो बना है,
तो अच्छा बना हुआ था, सब यूज हो रहा था, लेकिन अब वो कब तक चलेगा इसके बारे में तो आपको डिपार्टमेंट ही बता सकेगा कि कब तक ये काम चलता रहेगा उसका और कब ये ओपन होगा लोगों के। जी जी, अभी ना मेरी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर शर्मा, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात बताई कि जब यहाँ पे चेयर सॉरी क्या नाम है उनका जो महापौर वो अनु चतुर्वेदी थी, तब से ये रेनोवेशन का काम चल रहा है। नहीं, तब पुराना था और नया बना, नया बनने के बाद शायद ये सौरभ जोशी के टाइम में ही नया बना था जब इनका पिछला टेनर थी, तो उसके बाद ये अच्छे से चल रहा था। मुझे तो पता नहीं भाई, टाइल्स भी अच्छी लगी हुई हैं। हाँ, फर्नीचर चेंज होने के लिए हो सकता है क्योंकि चेयर्स प्लास्टिक की थी, वो टूट गई थी, वो चेयर कर सकते हैं चेंज, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी वॉल्स के ऊपर भी जो काम हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक था, एसी भी ठीक चल रहे थे। पर अब क्या रेनोवेशन कर रहे हैं, क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं, ये तो अब उसके खुलने पर पता चलेगा, लेकिन यही बताया जाता है कि वो रेनोवेट हो रहा है। अब रेनोवेट कब तक होगा, उसका क्या टाइम शेड्यूल होगा, कितने टाइम के लिए वो टेंडर दिया होगा, ये आपको या तो काउंसलर बता सकते हैं या फिर आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, एमसी बताएगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी रेनोवेशन है उसका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आम इंसान को, 15 सेक्टर के इंसान को या इर्द गिर्द के लोगों को बाहर जाके जो फंक्शंस करने पड़ रहे हैं या कॉस्टली पड़ रहे हैं, उनसे उनको थोड़ी जो है राहत मिल सकती है, क्योंकि ये जो पर्पज के लिए बना है उस पर्पज को हम यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी जो 15 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर है, ये मैं अभी इधर आया तो मैंने देखा ये काफ़ी देर से बंद पड़ा है, तो पूछने पे पता चला कि लगभग एक साल से इसकी रेनोवेशन का काम अटका हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसे है जी, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 15 का पिछले 21 साल से प्रेजिडेंट, और ये मैं देखा था कि कई साल पहले अनु चतुर्वेदी के टाइम में ये एक रेवोल्यूशन शुरू हुई थी इसकी बढ़ने के लिए। उसके बाद कुछ साल ये इन्होंने उसकी काम किया है और बुकिंग भी हुई है, हमारी मीटिंग भी होती रही है। अब क्या हुआ कि जब ये इन्होंने मटेरियल खरीदा ना पिछली बार इनके टाइम में, तो मटेरियल किनके टाइम में जी? ये सौरभ जोशी के टाइम में ये नया मटेरियल आया, कुर्सियाँ आई और जो अंदर का सामान आया वो ऐसा था कि आप किसी भी सीनियर सिटीजन को सेक्टर 15 में पूछ लो या जो एसोसिएशन चंडीगढ़ पूरी की बनी हुई है सीनियर सिटीजन की, वो आपको बता देंगे कि जब वो कुर्सी में बैठते ना कुर्सी नीचे टूट जाती थी, उस पर बैठते सोफा बैठते सोफा टूट जाता था, वो ऐसे लगते थे कि जैसे वो जो अपना वेस्ट के बने होते ना अपने सोफे या वो बना के इन्होंने दिए थे और नीचे गिर जाते, बुजुर्गों को वहाँ चोटें भी लगी हैं, या वहाँ के चौकीदार को या किसी को बुजुर्ग को पूछ लेना। और हमें अब एक साल से ये परेशानी आ रही है कि हमें कहीं भी मीटिंग करने की जगह नहीं मिल रही। सर मीटिंग तो चलो बड़ी छोटी सी बात है, मतलब पार्क में भी कर लेते हैं, यहाँ पे शादी ब्याह एक साल से जो सेक्टर में होने वाले वो कैसे मैनेज करते होंगे? वो कहीं और जाते हैं जी, कोई जा रहा है 10 सेक्टर जा रहा है, कोई 11 में जा रहा है, कोई 35 में जा रहा है, जहाँ अलग अलग जा रहे हैं जी, हमारे सेक्टर को बेनिफिट कुछ नहीं। आप सर 21 साल से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, नेचुरली बढ़िया काम करते होंगे तभी 21 साल से आप निर्विरोध जो है वो प्रधान चुने जाते हैं, तो आपने कभी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की सौरभ जोशी जी से जो एज ए काउंसलर हैं इस एरिया के? हमारे सौरभ जोशी की तारीफ है जी, आप भी फोन करोगे ना वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, फोन नहीं उठाते, लोग फोन करते हैं। कब परसों भी एक यूनिवर्सिटी का बंदा मेरे पास आया था कि हमने छोटी सी अंदर ग्राउंड में मीटिंग करनी है, तो मैंने कहा भाई ये मेरे अंडर नहीं आता है, ये सौरभ जोशी के अंडर आता है, आप उससे बात करो। कहना मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने, लाल पत्र उसका नाम था बंदे का, नहीं उठाया। तो शर्मा जी जिस हिसाब से आपका स्टेटस है तो आप सर मेयर साहब से भी बात कर सकते थे, जैसे आप बता रहे अनु चतुर्वेदी तो शायद 2010 में थे, तो आपने किसी सीनियर हायर ऑफिशियल को नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की? मुझे पता है कि इन्होंने सामने कहा काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई जवाब नहीं, एक ही सबका जवाब है जी, आप चाहे जाके कमिश्नर को मिल लो, आप चाहे जाके मेयर को मिल लो, कोई इनका इनका तालमेल ही है नहीं। आप ये तालमेल की बात करते हो, मैं कहता हूँ इसका कॉर्पोरेशन का ही फायदा कुछ नहीं, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ इस कॉर्पोरेशन को बंद ही कर दो, इसका चंडीगढ़ को कॉर्पोरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने अपनी इस कॉर्पोरेशन को ऐयाशी का अड्डा बना लिया, ये सब मौज करते हैं। हाँ जी, हैप्पी नाम है जी मेरा। मार्केट में प्रॉब्लम बहुत हो रही है जब से काम शुरू हुआ है, दुकानदार सारे किराएदार हैं। नहीं, प्रोजेक्ट था क्या? प्रोजेक्ट ये
ये प्रोजेक्ट था जी, जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड बनाना था इन्होंने। हाँ, फूड स्ट्रीट बनानी थी, बिल्कुल ठीक है। मार्च में, 1 मार्च को शुरू हुआ था, 8-9 महीने हो चुके हैं, काम पूरा होने को आनी है। परेशानियाँ बढ़ रही, सबसे बड़ी परेशानी है टॉयलेट की। टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, स्मेल इतनी है कि कस्टमर आके नहीं राजी, और किराए बहुत ज़्यादा है, किराए निकलने को राजी नहीं है। बहुत से दुकानदार दुकानें खाली करके भी जा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। कस्टमर भी आता है, उनको भी बाथरूम आता तो जाएंगे कहाँ, फिर यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पर बाथरूम जाना पड़ता है कस्टमर को। ये गड्डी खड़ा दी, इससे भी बहुत स्मेल आती है। नहीं तो वो तो चलो खैर अलग है एक मैटर, मैं ये पूछ रहा था जो आपका प्रोग्राम ये यहीं तक कर रहा था, इसके आगे भी डेवलपमेंट होनी थी। ये था जी, हमें छतरियां लगा के देंगे, टेबल लगा के देंगे परमानेंट, वो लगा के नहीं दे रहे, तो एमसी वाले आते तो हमारे रेगुलर चलान होते हैं। किस चीज़ का चलान होता है? ये टेबल लगा रखे, चेयर लगा रखी है, टेबल चेयर नहीं लगाएंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, किराए कैसे देंगे? बिल्कुल ठीक है, 50-50 हज़ार किराए हैं लोगों के, तो किराया निकल नहीं सकता जी इतना, बिना सीटिंग के हम किराया दे नहीं सकते। सीटिंग आए हुए बहुत टाइम हो गया, लगानी शुरू करी नहीं, अभी पिछले महीने निशान लगा के गए थे वो, फिर पता नहीं क्या चक्कर हुआ जी, निशान नहीं लगाए। 8-10 महीने उसके बाद कह रहे हैं जी हर दुकानदार पे 2 चेयरें देंगे, पूरी एक फैमिली आती है तो एक फैमिली में कम से कम 7-8 मेंबर ऐसे ही हो जाते हैं, 2 चेयर पे हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कितने किराए कहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना सामान ऐसे पड़ा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने हो गए इसको, तो इसके बारे में क्या कहोगे बेटा आप? इस पे काम करना चाहिए सरकार को, मुझे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं अगर यही चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी तो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।